एक वक्त था जब लोगों को लगता था कोई भी बात अढ़ाई हाथ की ककड़ी और नौ हाथ का बीज एकदम असंभव सा। लेकिन अब भारत क्या करने वाला है, चंद्रयान, सूर्ययान के बाद समुद्रयान, और ये कोई छोटा मोटा नहीं है बल्कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके सफल होने का मतलब है भारत छठा देश बन जाएगा। क्या है ये समुद्रयान जानेंगे इसके बारे में भी, पर वहीं दूसरी तरफ ये G20 में इटली की पीएम ने ऐसा क्या कर दिया भैया, चीनी प्रधानमंत्री को एकदम मुंह पे दो टूक बोल दिया, वो भी ऐसे मंच में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। G20 में चाइना के लिए सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें खड़ी होंगी, ऐसा तो चाइना भी नहीं सोचा होगा। वैसे आपको बता दें डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान आप देख सकते हैं, इस बयान में डॉक्टर एस जयशंकर क्या कह रहे हैं। एस जयशंकर कह रहे हैं कि चाइना ने जितनी मदद की G20 में वो भूला नहीं जा सकता है, G20 में चाइना ने सफल होने में बहुत मदद की। चलो बहुत अच्छी बात है, अब ये उन्होंने चाहे किसी भी मूड में कहा हो और चाइना को चाहे कैसा भी लगा हो, पर ये बयान भारत की महानता को बताता है कि देखो हम अभी भी तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए अच्छा ही कह रहे हैं। पर G20 का ये मीटिंग ना चाइना के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है, जो रिजल्ट आए हैं ना सिर्फ चाइना के खिलाफ ही आए हैं और ये चीज चाइना भी महसूस कर रहा है। जैसा कि हमने कल ही आपको बताया था कि चाइना ने भारत के ऊपर आरोप भी लगा दिया कि भारत ने इस पूरी मीटिंग को ही चुरा लिया। अब सोचिए सारे बड़े बड़े चीज जो हमने आपको कल बताए थे अपनी वीडियो में, उसके अलावे चाइना को एक रहा सहा कसर और झटका किसने दे दिया, ये झटका दे दिया जॉर्जिया मेलोनी ने, जो इटली की राष्ट्राध्यक्ष हैं। इटली की ये राष्ट्राध्यक्ष सबसे पहले निजी तौर पर मिली भारत में G20 सम्मेलन के दौरान चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को, और ली कियांग को उन्होंने बोला कि देखो हम BRI परियोजना से बाहर निकल रहे हैं। वैसे आपको बता दें BRI परियोजना में G7 से सिर्फ एकमात्र इटली ही वो देश था जो चीन के BRI में शामिल हुआ था। आखिरकार नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में ये बात कह दी गई। जॉर्जिया मिलोनी ने कहा कि हम चीन के साथ बेहतर संभव बनाना चाहते हैं, और ऐसा नहीं है कि BRI में रहने से ही ये संभव है, BRI से निकल कर भी हम अच्छे संबंध बना सकते हैं, और इस बात को सीधे सीधे इन्होंने कह दिया। 2019 में BRI परियोजना के लिए इटली ने हाँ बोला था, लेकिन अब इटली की प्रधानमंत्री इन्होंने निकलने का ऐलान लगभग कर दिया है। वैसे इटली को इस बात का डर है कि चाइना फिर व्यापार संबंधी प्रतिशोध लेने की कोशिश करेगा। इस साल की शुरुआत में ही दावा कर दिया गया था, इटली ने अपने सहयोगियों को संकेत दे दिया था कि वो चीन के BRI से बाहर निकलने का इरादा रखता है, लेकिन मेलोनी को महीनों से इस बात का डर सता रहा था कि कहीं व्यापार को लेकर चाइना कुछ कदम न उठा ले। ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले महीनों में चीन का दौरा करेगी, और ये संवेदनशील मौका है जब इटली चीन के राजदूत को पहले ही बता चुका है और अब इन्होंने इनके प्रधानमंत्री को भी बताया। वैसे आपको बता दें इटली में जो चीन के राजदूत थे उन्होंने एक धमकी भी दिया था, चेतावनी बोली है उसको कि अगर इटली समझौते से हट गया तो इसके नकारात्मक परिणाम होंगे। पर इन सब के बावजूद यहाँ पर दिख रहा है कि चाइना के लिए G20 में मुसीबतें कम नहीं हुई बल्कि मुसीबतें बढ़ती चली गई। वहीं जॉर्जिया मेलोनी और PM मोदी की मुलाकात बहुत ही चर्चा का विषय रहा, क्योंकि इटली को एक बार देखा जा रहा है भारत के बेहद नजदीक है, कहीं इसका असर तो चाइना के ऊपर नहीं हो रहा है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ
चलो चंद्रयान हो गया, सूर्ययान हो गया, अब भारत क्या कर रहा है? और भी कोई इलाका बचा हुआ है? तो बिल्कुल बचा हुआ है। और वो इलाका क्या है? वो इलाका है समंदर का। चंद्रयान मिशन हमें चंद्रमा के कई राज बताएगा। सूर्य का राज जानने के लिए हमने आदित्य L1 भेज दिया है, लेकिन अब बारी है समुद्र की गहराई में छिपे रहस्यों को जानने की। और इसके लिए भारत जल्द ही अपने समुद्रयान मिशन का ट्रायल शुरू करने जा रहा है। क्या है ये मिशन? तो आपको बता दें, ये एक मिशन है जिसमें एक समुद्रयान मनाया गया है। इस समुद्रयान को एक समरसेबल की तरह है, ये स्वदेशी समरसेबल है, और इसमें बिठाकर 6000 मीटर तक की गहराई में भेजा जाएगा इस यान को। इसका नाम दिया गया है मत्स्य 6000। और मत्स्य 6000 का क्या मतलब है? तो इसमें जो सवार लोग होंगे, इनको समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर नीचे कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसे बहुमूल्य धातुओं की खोज करने के लिए भेजा जाएगा। मत्स्य 6000 इस प्रोजेक्ट को बनाने में करीब 2 साल लगे हैं, और 2024 की शुरुआत में इसे कहा जा रहा है कि चेन्नई तट से बंगाल की खाड़ी में छोड़ा जाएगा। समुद्र में इतनी गहराई तक जाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। भारतीय वैज्ञानिकों को जून 2023 में हुई टाइटन दुर्घटना का भी ध्यान है। अब ये टाइटन दुर्घटना क्या है? आपको याद होगा कि टाइटेनिक का मलबा देखने के लिए बड़े बड़े लोग टाइटन नाम के कंपनी के एक बनाए गए यान में समुद्र के अंदर जाते थे। सबमरीन की तरह का ये होता है, लेकिन इस बार जब वो गए तो वो वापस नहीं आए। संपर्क भी टूट गया और वो यान भी छत विच्छत हो गया। और चर्चा का विषय इसलिए बन गया क्योंकि इस बार टाइटन में कई बड़े उद्योगपति के साथ साथ टाइटन के CEO भी थे, जो समंदर में टाइटेनिक जहाज का मलबा देखने के लिए निकले थे। इसमें पाकिस्तान के एक उद्योगपति भी थे। पर इन सब के बीच में भारतीय वैज्ञानिक मत्स्य 6000 के डिजाइन को बार बार परख रहे हैं। वैसे मत्स्य 6000 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है, और टाइटन हादसे के बाद उन्होंने मत्स्य 6000 के डिजाइन, मटेरियल, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स सब की समीक्षा करनी शुरू कर दी है। समुद्रयान मिशन एक बड़ा मिशन है, और 2024 के पहली तिमाही में 500 मीटर की गहराई पर समुद्री परीक्षण के लिए तैयार बताई जा रही है इसे। कहा जा रहा है कि खास तौर पर निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड, गैस हाइड्रेट की तलाश के लिए इसे भेजा जाएगा। अब ये जो इलाका होता है, ये इलाका बेहद ठंडा होता है। ऐसे में इसका डिजाइन इस तरीके से बनाया गया है कि ये सारी चीजों को झेल सके। इसका वजन है 25 टन का, लंबाई है 9 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर, और कहा जा रहा है ये गोले की तरह बनाया गया है जिसमें 3 लोग आ सकते हैं। 6000 मीटर की गहराई पर 600 बार दबाव यानी 600 गुना अधिक सख्ता, अधिक दबाव का सामना करने के लिए 80 mm मोटी टाइटेनियम मिश्र धातु से इसे बनाया गया है, और 12 से 16 घंटे तक इसमें ऑपरेट करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई 96 घंटे तक उपलब्ध रहेगी। माना जा रहा है कि भारत का समुद्रयान मिशन 2026 तक शुरू होगा, और अब तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ही इंसानों को लेकर समंदर के अंदर जा सके हैं इस तरीके से। खैर, इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।